सच्चे तो तेरो नहीं पुल तो तेरी कसम बेसाख बेसारे होनी नाजरीन आदाब आज को गोजरी प्रोग्राम ले गए डॉक्टर जावेद राही थारी खिदमत में हाजिर है जिस तरह जे तम जाने कि अपना इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ शख्सियात ना दावत देता रहा और थारे रूबरू करता रहा इससे सिलसिला ना आगे बताता वा आज हमारे मौजूद हैं कश्मीर की धरती का एक बड़ा नामवर मुसव्वर मारी मारा कबीला का एक ऐसा शख्स एक ऐसा नौजवान जिन्होंने पूरी रियासत में बल्कि मुल्क में अपना नाम पैदा किया है मुसवरी की वजह तो पेंटिंग की वजह तो पोर्ट्रेट्स की वजह तो और जिस जो उन्होंने हाथ में ब्रश है उसकी वजह तो मेरी मुराद है जनाब मुनीर चौधरी साहब तो मुनीर साहब मुनीर अली चौधरी साहब थारो इस्तकबाल है इस प्रोग्राम में सब तो पहला तो हूँ जानना चाहूँ कोई तारुफ थारो जो है ना थारी जबानी हो जाए ज़्यादा अच्छा है कि किस तरह नाल शुरुआत हुई कितने और पढ़ाई की तुकी कितने केड़ा इलाका के नाल वाबस्तगी है थारी शुक्रिया डॉक्टर साहब थारो वो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में रहो जी जी अनंतनाग तो तकरीबन कोई 15 किलोमीटर जी हमारी गुजर बस्ती है जी जी रखबरा जी रखबरा इब्तदाई तालीम भी उतो स्टार्ट की गवर्नमेंट स्कूल दो फैमिली में मेरा जड़ा नानी हाल वाला साइड मेरा मामा टीचर तालीम के दौरान ही चूंकि अल्लाह को बड़ा एहसान था डेरा में तालीम को एक रुझान था ही था तालीम दर जहन बड़ो सही था अच्छा लेकिन एक उस्ताद ना पेंटिंग करता देख जद वो हम करा वे उसकी तरफ मेरा दिल भी माइल हो गया कि वो मैं ये पेंटिंग करूं। अच्छा तकरीबन तीसरी या चौथी क्लास में होंगे वो उस्ताद पेन नाल कुछ लिखे था इसमें कातब एकदम के है ना हाँ, कातब है कैलीग्राफी कैलीग्राफी वगैरह इसी स्टाइल में कुछ लिखे था लगा हुए मैं वो भी बड़ा इंटरेस्टेड हो गया सर देखने लग गया उसने खैर थोड़ा टाइम बाद बुलाया कौन आप भी सीखोगे मैं कुछ सीखूंगा तो इब्राहिम साहब अल्लाह पाक उन्होंने सेहत इज्जत दे अच्छा। मौजूद है वे तो उन्होंने थोड़ी बहुत मेरे पहला हाथ पकड़ियो स्टार्ट में इब्तदा में अच्छा अच्छा तो जब मैं थोड़ा बहुत लिखने लग गया फिर कुछ बनाने लग गया तो क्लास में एक वो हो गया नहा पायदा यार ये तो बड़ा अच्छा बनाता है ये इतना अच्छा बना हुआ है तो फिर बस शौक पैदा हो गया भाई और करना है फिर ना करना है अच्छा 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 तो उस चक्कर में फिर आहिस्ता आहिस्ता ये मतलब किस क्लास चौथी तो हम शुरू किया तुमने जी जी थर्ड क्लास तो थर्ड तो ले गए दसवीं थोड़ी तुमने थोड़ो लेकिन बाद में मेरा यो एक प्रॉब्लम हुई डेरा में मेरा स्पोर्ट ना मिलियो कर्म अच्छा वे के था मेरा कर्म नहीं बनानी नहीं जी किसी सूरत में यो नहीं करना क्योंकि बड़ो ब्रदर साहब जड़ा था वे 10th में था शायद ना देना तो वो कहता नहीं जी तेरा पढ़ाई की ओर असल ध्यान है तो सिर्फ पढ़ अच्छा अच्छा तो कोई हमने पेंटिंग फोटो शोटो नहीं है बनाना बस बिल्कुल अच्छा तो बेन मेरी की तस्वीर में पहली बार बनाई मेरा तो छोटी मेरी सिस्टर थी उसकी तस्वीर तो वो हु बन गई अच्छा अच्छा उसने मेरा पोर्ट्रेट पहलो पोर्ट्रेट हां उसने बड़ो एनकरेज कियो उसने जब सारा ने देखियो यार ये बेन है या छोटी बेन है छोटी हां तो तू बना गयो एकदम वो एनकरेज हुए उसने मतलब आर्ट कॉलेज में जा नहीं सकूं था लेकिन मेरा ये शौक मैं कभी छोड़ नहीं इसका ये जो मेरा ख्वाब था कि नहीं और मैं कोई कुछ करना है या आगे बढ़ना है अच्छा तो फिर इसको साथ में कभी छोड़े अच्छा मतलब दसवीं तक आता आता थारो आठवीं ते थोड़ो जो मतलब ऊपर चले गए वो जब नौवीं जब तक नौ साल में इतना काम कर चुके हैं तो 16 साल में तुमने अच्छो महारत हासिल कर ली है बिल्कुल जब मैं उन बात की गल करूँ जब स्कूल जब मेरा जब मुलाजिम हो अच्छा बी एड में इन्होंने बच्चा ना जरूरत हो कोई उसी दौरान मैं उस स्कूल चलने लग गया प्रोफेसर शफी चमन
शफी चमन साहब तो मशहूर है ना, हाँ इम्फा का इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स का, हाँ जी जी, उसको उन्होंने को चलन लग गया, उसने कहीं उसकी वजह से भी काफ़ी इंप्रूवमेंट हुआ, तो उन्होंने वो आर्ट कॉलेज ले गया, मैंने कुछ हॉबी कोर्स वगैरह कराया, हॉबी कोर्स श्रीनगर में जो जौहर नगर में, जी 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 जो जब तक जौहर नगर में हुआ था, आर्ट एकेडमी वो होता बिल्कुल यूनिवर्सिटी का, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उत्तम ने क्यों कोर्स, हाँ अच्छा, तो उस तो बाद फिर अच्छा सिखाए उन्होंने, मतलब मसूद साहब ने, शफी चमन साहब ने, बिल्कुल बिल्कुल, वो अपना नौशाद हसन साहब, नौशाद नौशाद हां जड़ा नौशाद साहब की भी, हां नौशाद साहब भी बड़ा, जी जी बिल्कुल, उन्होंने उनको भी बड़ा सपोर्ट रहे हो, तो उस बाद जम्मू में टिकू साहब, अच्छा राजेंद्र टिकू साहब, टिकू साहब को तो बहुत ही ज्यादा एहसान है मेरे पर, अच्छा अच्छा, मतलब उन्होंने के सिखाया टिकू साहब ने, टिकू साहब ने वाटर कलर वगैरह जो भी इस्तेमाल करना है किस तरह इस्तेमाल